कह रहे हैं कि गंगा गंगा कुछ तो स्वच्छ हुई है, आपने ये मुझसे कहा कुछ तो स्वच्छ हुई है। हाँ जी, 2014 से 2022 के दरमियान आपने मुझसे ये कहा कि गंगा कुछ तो स्वच्छ हुई है। मैं गंगा भी स्वच्छ हुई है तिलक जी, और लोगों के मन भी स्वच्छ हुए हैं, मन भी स्वच्छ हुए हैं। मैं कुछ दिखाना चाहूंगा, पहले मैं संकल्प पत्र, आपका संकल्प पत्र मैं संभाल के रखता हूं, चाहे वो सबका हो, ये आपका संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र पहले आप एक 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य, वो हुआ या नहीं हुआ आप जानते हैं। इस एक नंबर संकल्प के बाद आपने 73वें नंबर पर रखा कि 2022 तक स्वच्छ गंगा का लक्ष्य है, 2022 तक। तो प्रमुख साहब 2022 तो आ ही गया और 15 अगस्त भी आ गया। प्रमुख साहब इसलिए मैं कह रहा था, ये आपका संकल्प पत्र मैंने आपके सामने रखा, माँ गंगा साफ हो गई। हो सकता है कि आपके मुताबिक ना हुई हो सकता है, जितनी जरूरत है उतना भी ना हुआ हो, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का हिम्मत का काम था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर सीधा बोला था और सीधा कार्य किया था कांग्रेस। तो आप मुझे कह रहे हैं आपके संकल्प पत्र के मुताबिक आपने गंगा को स्वच्छ कर दिया। मेरी बात पूरे होने दीजिए। नहीं सर, आप कह रहे हैं गंगा स्वच्छ हो गई ना, सारे आई है उनके घोषणा पत्र भी उठा दीजिए। नहीं, मैं उनके घोषणा पत्र लाए हैं सर, उनके घोषणा पत्र को तो जनता ने नकार दिया ना। अगर उनके घोषणा पत्र को स्वीकार किया होता प्रमुख साहब, तो मैं उनसे भी पूछता, उनके घोषणा पत्र को तो जनता ने नकार दिया। आप, मैं ये कहता हूं तिलक जी कि 2014 के बाद लोगों ने घोषणा पत्र की वैल्यू समझी है, कीमत समझी है कि जो घोषणा पत्र होता है वो पूरा होता है। अच्छा, तो उसके बाद जो है, नहीं नहीं, मैं 2014 वाला भी दिखा देता हूं आपको, अगर आप चाहें 2014 वाला भी है मेरे पास। 2014 के घोषणा पत्र के मुताबिक कि 2019 में, ये आपका घोषणा पत्र, आपने कहा था कि 2022 तक हम गंगा को साफ कर देंगे। आपके घोषणा पत्र के मुताबिक अब जो पहले पायदान पर था कि हम गंगा को साफ कर देंगे, यानी कि 2014 की वो प्राथमिकता थी, और 2019 में 73वें नंबर पर पहुंच गया, ये कैसे आ गया 2022? जवाब देने दीजिए जी, प्रमुख साहब सवाल मत ठोकिए तिलक जी। बधाई देना चाहता हूं आपको शानदार वक्तव्य के लिए, शानदार एंकर के लिए। काश आप जैसे एंकर अब से इस देश में 40 या 50 वर्ष पहले आकर भी इस तरह से सवाल और जवाब और साथ के साथ हिसाब करने लगते। 1% घोषणा पत्र पूरे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उससे पहले कोई 10% के नजदीक नहीं जाता था, आपने 80% पूरे कर दिए। भी आकर बैठ गए हैं सर, आपको मैंने सिर्फ घोषणा पत्र और संकल्प पत्र इसलिए दिखाया क्योंकि 2014 में आपकी प्राथमिकता थी और 2019 में ये प्राथमिकता जो है वो 73वें नंबर पे पहुंच गई आपके संकल्प पत्र में। अब घर घर हम 2014 के बाद ही सब चीज शुरू हुई है। अच्छा, उससे पहले नहीं होते थे घोषणा पत्र पर डिबेट्स। अच्छा, नहीं होती थी चर्चा। करिएगा, इस बयान को ध्यान से सुनिएगा, सब सुनिएगा, बहुत अच्छा बयान है, इसकी सबको तारीफ करनी चाहिए और उस वक्त सबने तारीफ भी की थी। प्लीज प्ले करिए। भाइयों बहनों, इस गंगा की सफाई के लिए न जाने कितनी योजनाएं बनी, न जाने कितने बजट खर्च किए गए, न जाने कितने कमिटियां बनाई गई, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि गंगा के अंदर क्या ये रुपये भी बह जा रहे हैं क्या। बिल्कुल, गंगा के अंदर क्या ये रुपए भी बह जा रहे हैं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर एक राज्य का मंत्री, राज्य मंत्री इस्तीफे की पेशकश करे और वो इस्तीफा गृह मंत्री को पोस्ट करे और उस इस्तीफे में एक बात लिखी हो। अब मैं वो इस्तीफा दिखाता हूं, ये इस्तीफा आपके सामने है प्रमुख साहब, आप तो बाखूबी याद भी होगा आपको, तो दिनेश खटिक साहब, यूपी के राज्य मंत्री दिनेश खटिक ने इस्तीफा दिया गृह मंत्री को, और इस पत्र में वो बताते हैं कि नमामि गंगे में भ्रष्टाचार हो रहा है, नमामि गंगे में भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रमुख साहब ये इस्तीफा याद है ना आपको, क्वेश्चन पूरा कर लीजिए उसके बाद जवाब दूंगा। क्या नमामि गंगे में भ्रष्टाचार हो रहा है मंत्री जी बता रहे थे? छोटा सा मामला इतनी बड़ी पार्टी में हो गया, कहीं इस्तीफा हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, एक जरा सी हवा उठी दबगी,
उस पर चर्चा में ले आए। नहीं नहीं, मैंने इस्तीफे की बात ही नहीं की है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक राज्य मंत्री नमामि गंगे में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्या ये उनका बयान सही था या गलत था, क्या ये राजनीतिक बयान था? तिलक जी, अगर इस बयान का कोई सर्टिफाई मामला एक बार कहीं से निकला, गलती से निकला या सही से निकला, दूसरा किसी चैनल ने उठाया हो, दूसरा उन मंत्री की बात आई हो या उनका इस्तीफा आया हो, तो सफाई दें। अरे घर में दो बर्तन से बजे बंद हो गए, बात खत्म होगी। आप इस पर परेशान क्यों हो तिलक जी? आप इस पर चर्चा कर रहे हैं सर, आप उस मंत्री पर चर्चा करो जो जेल में है। इसका मतलब ये हुआ नमामि गंगे की बात जो मंत्री जी लिख रहे थे खुद गृह मंत्री जी को, वो एक राजनीतिक नजरिए से माँ गंगा का इस्तेमाल कर रहे थे। अब इसका कोई भी मतलब निकाल लीजिए। नमामि गंगे का जिक्र किया ना, इससे मुझे याद आ गया, उसके बाद तो किसी ने ये सवाल भी नहीं पूछा। जहाँ चर्चा करनी है वहां क्यों नहीं कर रहे? जहाँ तथ्य भी है, प्रूफ भी है, एविडेंस भी है, उन पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे आप? एनजीटी की रिपोर्ट जो है प्ले करिएगा उसको, मैं क्योंकि ये जिक्र कर रहा हूं 2016 में राष्ट्रीय गंगा मिशन के गठन के बाद 2018 तक 3 बैठकें होनी थी मगर 1 हुई, और हिंदुस्तान की रिपोर्ट में देख रहा था, हिंदुस्तान की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि गंगा का पानी 97 जगहों पर आचमन के लायक भी नहीं है। ये अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, जागरण की रिपोर्ट भी आपके सामने है, और उसमें लिखा है कि प्रदूषण बोर्ड ही भंग कर देना चाहिए, ये बात खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है। क्यों ना खत्म कर दें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कोर्ट कह रहा है। ऐसे करार से तो गंगा साफ नहीं होगी। करार किसके साथ किया था वो आप जानते हैं। ये अभी भी गंगा में जा रहा 50% गंदा पानी एनजीटी कह रहा है, ये रिपोर्ट्स हैं। मैंने इसलिए जिक्र किया प्रमुख साहब, प्लीज कंटिन्यू। मैंने इसलिए कहा कि ये बजट का जो पैसा है, क्योंकि मंत्री इसलिए मैंने जिक्र किया था, ये पैसा कहीं पानी की तरह तो नहीं बह जा रहा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का ये बयान। पहली हमारी ऐसी सरकार है आप इसने जब से देश आजाद हुआ है गंगा के लिए काम किया है। जल मंत्रालय सिर्फ बना ही इसलिए था कि जो गंगा पर ही काम विशेष रूप से करे। सर सर प्रमुख साहब, जिस व्यक्ति का जिक्र कर रहा हूं उसको पूरे देश के बारे में जानना भी चाहिए। आप लोग जानते हैं जीडी अग्रवाल का नाम सुना है, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का? देखिए 112 दिनों तक आमरण अनशन करते रहे पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल, उनका निधन हो गया। ये पुरानी खबर आपको बता रहा हूं, ये है आस्था का विषय, समझ रहे हैं आप? कोई व्यक्ति है पूरा अपना जीवन त्याग देता है गंगा के लिए। प्रमुख साहब मैं इसलिए कह रहा हूं, तो आप घबराइए मत, जवाब भी हमारे होंगे, सवाल भी हमारे होंगे। सवाल नहीं पूछ सकते आप, ये कह रहे प्रमुख साहब? नहीं देखिए, सवाल सवाल पूछिए आप, लेकिन सवाल जाहिर पूछिए। अच्छा, ये जाहिर सवाल